सन 1783 मार्च का महीना, उस साल भारत के इतिहास में एक नई कहानी लिखी जानी थी, सिखों की दिल्ली फतेह की कहानी। ये वो दिन था जब सिख फौज ने बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में लाल किले पर केसरी झंडा लहरा दिया था। दिल्ली का लाल किला मुगलों की शानो शौकत और भारत पर उनके लंबे राज का प्रतीक माना जाता है। जिसने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया उसे पूरे भारत का शासक माना गया। अंग्रेजों के भारत पर पूरी तरह कब्जा करने से पहले लाल किले पर ज्यादातर मुगलों का ही अधिकार रहा, लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब सिखों ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया था। सिख इतिहास में उस दिन को फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला तो उस दिन भी लाल किले पर इसी केसरी झंडे को फहरा दिया गया था। वो झंडा निशान साहिब का था। 1783 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, यानी कि केसरी निशान साहिब को लाल किले पर फहराया गया था। उस समय सिख फौजों ने मुगल बादशाह शाह आलम को घुटनों पर ला दिया था। सिख सेना का नेतृत्व बाबा बघेल सिंह कर रहे थे और उनके साथ थे जत्थेदार जस्सा सिंह अहलूवालिया और जत्थेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। ये वही जस्सा सिंह अहलूवालिया थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अब्दाली के द्वारा बंदी बनाई गई 2200 हिंदू महिलाओं को छुड़वाकर उनके घरों तक पहुंचाया था। ये भी कहा जाता है कि उन्हें लाल किले में बादशाह के पद पर बैठने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि सिख धर्म में बादशाह बनने का कोई सिद्धांत नहीं है। लाल किले को जीतने के बाद भी सिखों ने लाल किला वापस मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया था और बदले में वो मांगा जिसने सिखों के बलिदानी के इतिहास को दिल्ली में जिंदा रखा। दिल्ली में सिख गुरुओं को शहीद किया गया था। इन जगहों पर सिखों ने गुरुद्वारा बनाने की मांग की। इस मांग को मानते हुए दिल्ली में शाह आलम ने 7 गुरुद्वारों का निर्माण करवाया था। दिल्ली को जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले जस्सा सिंह अहलूवालिया का जन्म लाहौर के गांव आहलू में 3 मई 1718 को हुआ था। जब वो सिर्फ 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो अपनी माता के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी माता सुंदरी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद 12 वर्ष की आयु में वो वापस पंजाब आ गए। पंजाब में उनकी मुलाकात नवाब कपूर सिंह से हुई। नवाब कपूर सिंह उनकी कीर्तन कला से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद वहीं रहते हुए उन्होंने तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध लड़ने की शिक्षा ली। युद्ध कला में वो इतने निपुण हो गए थे कि उनके युद्ध कौशल को देखकर नवाब कपूर सिंह ने 1748 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1753 में नवाब कपूर सिंह की मृत्यु के बाद 1754 में अमृतसर में उन्हें नवाब की उपाधि दी गई। इस तरह से जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और जल्दी ही वो प्रमुख सिख नेताओं में गिने जाने लगे। 1745 तक सिखों को 65 समूहों में बांटा गया था। इन 65 समूहों का पुनर्गठन करके नवाब कपूर सिंह ने इन्हें 11 समूहों में बांट दिया। हर जत्थे का अपना अलग नाम, झंडा और लीडर होता था। इन्हें बाद में मिसल्स कहा जाने लगा। इस तरह बने 11 समूहों की सभा को दल खालसा नाम दिया गया और जस्सा सिंह अहलूवालिया को सिखों का कमांडर नियुक्त किया गया। 1761 में जब सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, उस वक्त जस्सा सिंह को सुल्तानुल कौम यानी किंग ऑफ द नेशन का खिताब दिया गया। लाहौर पर कब्जे और अहमद शाह अब्दाली के जनरल की हार की खबर अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली गुस्से से पागल हो गया और उसने पंजाब पर हमला कर दिया। पंजाब पर अफगानों का ये 6वां हमला था जिसमें उसने सिखों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इधर सिख सतलुज नदी को पार कर चुके थे और सिखों के काफिले में बहुत बड़ी संख्या में योद्धाओं के साथ साथ बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थीं। सिखों की कोशिश थी कि बच्चे, बूढ़े और औरतों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए। सिख फौज जरूरतमंदों को सुरक्षा देते हुए और लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। सिख फौज का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया के साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह सुकरचकिया और हरि सिंह ढिल्लो के हाथ में था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने अचानक और जोरदार हमला किया था। दूसरी तरफ सिखों को अब्दाली और भारत में उसके सहयोगियों जिनमें मलेरकोटला और सरहंद के नवाब भी शामिल थे,
उनसे भी लड़ना पड़ रहा था। अहमद शाह अब्दाली ने सिखों को भारी नुकसान पहुंचाया और भीषण नरसंहार किया। अब्दाली का आदेश था कि सिखों को देखते ही मार दिया जाए। मलेरकोटला के पास कुप गांव में 20,000 सिखों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया गया। 1762 में हुए इस नरसंहार को वड्डा गल्लूघारा कहा जाता है। अब्दाली के सैनिकों पर नरसंहार करने की भूख इस कदर सवार थी कि मलेरकोटला और सरहंद के सैनिकों को अपने सर पर हरी पत्तियों को बांधना पड़ा ताकि वो खुद को सिख फौज से अलग कर सकें। इस लड़ाई में जस्सा सिंह अहलूवालिया के शरीर पर 72 घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बच गए। फरवरी में वड्डा गल्लूघारा नाम की उस घटना के बाद सिखों को बहुत नुकसान हुआ था। अब्दाली को लगा था कि अब सिख कभी उसके सामने सर नहीं उठा पाएंगे, पर सिख एक ऐसी कौम है जो कभी हार मानने वाली नहीं थी। इसीलिए दिवाली पर अमृतसर में पहले से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में सिख इकट्ठे हुए। ये देखकर अब्दाली एक बार फिर से सिखों को जड़ से उखाड़ने की प्लानिंग करने लगा, पर इस बार उसने पहले सिखों को शांति का प्रस्ताव भेजा। सिखों ने उसके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, अब्दाली ने अपनी फौज के साथ अमृतसर की ओर कूच शुरू कर दी। पर इस बार अब्दाली को मुंह की खानी पड़ी और सिखों ने बहुत बड़ी संख्या में अफगानों को बंदी बना लिया। इस लड़ाई में हार के बाद अब्दाली वापस लौट गया था। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने उन बंदी बनाए गए सैनिकों से हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर का पुनर्निर्माण करवाया और उन्हें रिहा कर दिया। सिखों के इस दयाभाव को देखकर बहुत से अफगान सैनिक उनसे बहुत प्रभावित हुए और सिख बन गए। इसके बाद भी जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अब्दाली के साथ कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, पर इसके बाद जिस विजय के लिए उन्हें याद किया जाता है वो थी दिल्ली के लाल किले पर फतेह। दिल्ली पर उस वक्त शाह आलम राज कर रहा था, पर मुगलों की ताकत बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए एक तरफ मराठे तो दूसरी तरफ अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। एक दिन शाह आलम को पता चला कि अंग्रेज दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने जा रहे हैं। शाह आलम को अब किसी से मदद चाहिए थी जो उसे अंग्रेजों के हमले से बचा सके। शाह आलम ने बाबा बघेल सिंह को मदद के लिए कहा। तब बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया तीनों की फौजें मिलकर दिल्ली की ओर चल पड़ी। तीनों की संयुक्त सेना में 40,000 के करीब सिख सैनिक थे, लेकिन अभी ये सेना दिल्ली पहुंची नहीं थी और शाह आलम को पता चला कि अंग्रेज दिल्ली पर हमला नहीं कर रहे। इसीलिए शाह आलम ने सिखों को संदेश भिजवा दिया कि उसे उनकी सहायता नहीं चाहिए और वो वापस लौट जाएं। इस बात को सुनकर सिख फौजें बहुत नाराज हुई, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को संगठित करके किसी तरफ कूच करने में बहुत बड़ा खर्च आता है। बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया और रामगढ़िया ने शाह आलम को कहा कि वो उनके वहाँ आने का खर्च उन्हें दे दें तो वो वापस लौट जाएंगे, लेकिन शाह आलम ने कोई भी खर्च देने से इनकार कर दिया। इस पर तीनों सेना कमांडरों ने फैसला लिया कि शाह आलम को सबक सिखाना होगा। सिखों ने शाह आलम को चेतावनी दी कि उनका खर्च दे दिया जाए वरना वो दिल्ली पर हमला कर देंगे, पर शाह आलम ने सिखों की बात नहीं मानी और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली के सभी गेट बंद कर दिए और अपनी सेना भेज दी। सिखों के 5,000 सैनिक मजनू के टीले पर, 5,000 अजमेरी गेट पर और बाकी 30,000 सैनिक सब्जी मंडी और कश्मीरी गेट के बीच खड़े हो गए। इन 30,000 सैनिकों ने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए और इन्हीं 30,000 सैनिकों के कारण ही उस जगह कोट का नाम 30,000 कोट पड़ा। इसके बाद सिखों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और लाल किले के मुख्य द्वार पर केसरी झंडा फहरा दिया। शाह आलम किला छोड़कर भाग चुका था। सुल्तान उल कौम यानी जस्सा सिंह अहलूवालिया को लाल किले का बादशाह बनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने ये कहते हुए इस बात के लिए मना कर दिया कि सिक्खी में बादशाहत की कोई जगह नहीं है। बाद में शाह आलम ने बेगम समरू से गुजारिश की कि वो उनकी सुलह करवा दें, जिसके बाद बेगम समरू, जो कि जस्सा सिंह अहलूवालिया की बहन बनी हुई थी, उनके कहने पर सिख लाल किले को लौटाने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग सिखों के इस फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि लाल किले पर अधिकार का मतलब पूरे हिंदुस्तान का राजा होने से था और सिखों की ताकत और आबादी इतने युद्ध अभियानों के बाद इतनी कम हो गई थी कि वो इतना बड़ा देश नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए उन्होंने शाह आलम के सामने शर्त रखी कि वो दिल्ली में 7 गुरुद्वारों का निर्माण करवाएं
और अपना किला ले लें। इसके अलावा मुगलों के द्वारा वसूला जाने वाला कर का एक हिस्सा भी सिखों को देने का फैसला लिया गया। इसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया लाल किले से तख्त का एक बड़ा पत्थर अपने साथ अमृतसर ले आए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखों की इस विजय पर हमेशा गर्व रहे। कहा जाता है कि आज भी वो पत्थर अमृतसर में रामगढ़िया बुर्ज में रखा हुआ है। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने महाराजा रणजीत सिंह के लिए वो जमीन तैयार कर दी थी जिसके बाद उन्होंने एक बड़े विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दुलीप सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर के वीडियोस भी हम इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जस्सा सिंह अहलूवालिया को हरमंदर साहिब की मरम्मत करवाने, अब्दाली का डटकर मुकाबला करने और लाल किले पर फतेह के लिए सिख इतिहास में बड़े सम्मान से याद किया जाता है। अगर आप भी सिख इतिहास की जानकारी को हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें।